दूसरी चीज यह है कि श्री राम का मुद्दा भारत में कभी खत्म नहीं होगा सर। बाबर भी यही चाहता था कि श्री राम का मुद्दा खत्म हो जाए। अपोजिशन को, कुछ पत्रकारों को या इंटेलेक्चुअल्स को पता नहीं श्री राम भाई, श्री राम का नाम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे लिया जाता है। मंदिर बन जाए वो बात एक डिफरेंट है, लेकिन श्री राम का मुद्दा पृथ्वी जब से बनी है, भारत बना हुआ है, वो तब से है और रहेगा। वो कोई खत्म नहीं कर पाएगा, चाहे कोई राजा कोई भी हो, कितने लोग आए और गए। सेकेंड जनरेशन जो पॉलिटिशियंस हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा वगैरह के, बसपा में तो खैर अभी मायावती जी हैं, कांग्रेस वगैरह के, दे नो वेल अबाउट इंडिया बट दे डोंट नो अबाउट भारत और हिंदुस्तान। उनको भारत और हिंदुस्तान नहीं पता है, उनको इंडिया पता है। उनके हारने का रीजन ये है, टीएमसी ने कोई कमी थोड़ी की अपने कैंपेन में, पैर टूटने के बाद भी ममता दीदी ने रेस्ट नहीं लिया। यही चीज उनको बोला जा सकता था कि आप रेस्ट ले लीजिए। वो लड़ने के लिए उनके पास भी छोटे स्तर के नेता थे, उनके गांव के नेता थे, उनके ब्रांच लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिला अध्यक्ष वगैरह होते हैं, लेकिन ममता दीदी क्यों फ्रंट से लीड कर रही थी। मैं एक चीज बोलता हूँ, स्पेशली प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से, कि विपक्ष की कमजोरी दूसरी पार्टी यानी उनके राइवल के लिए बहुत बड़ा हथियार बन जाती है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, लंदन में उसकी प्रशंसा हुई। आज जो लंदन के न्यूज़पेपर वगैरह या अमेरिका के न्यूज़पेपर भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनसे बोलिए ना, आप ही ने तो प्रशंसा की थी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की। राजस्थान के फर्स्ट फेज में कोविड मैनेजमेंट की प्रशंसा विदेशी पत्रकारों ने की थी, आज क्यों नहीं कर रहे हैं साहब? जिसकी आपने प्रशंसा की, या तो आपकी एनालिसिस उस वक्त गलत थी, मैं विदेशी पत्रकारों और जर्नल्स और मैगजीन की बोल रहा हूं, या तो आज गलत है, तो दे आर ऑल्सो टू मच, वेरी मच बायस। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है चुनाव, जिसका हम बेसब्री से पूरे पिछले 1-2 महीने से इंतजार कर रहे थे। बेसब्री से उनका रिजल्ट आज आ गया है। और हमारे शो के जो आज के मेहमान हैं वो कनाडा से हमें ज्वाइन किया है, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रणवीर शारदा जी ने। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। गेस्ट हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है AK मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, नमस्कार। लालची लोमड़ी वाली बिल्ली ऐसी लोमड़ी ना बनती कि अपने ही अंगूर बहुत ऊपर टांगती और कूदती और चोट होके घायल होके गिरती, तो उसको शायद इतना अफसोस ना होता जितना आज होगा। मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके दो एंगल है। ऑफ कोर्स फिजिकल वे में देखा जाए और जो अभी रुझान आ रहे हैं उसको माना जाए, और यही देखा जाए कि बीजेपी को अगर 80 मिली है तो 200 के क्लेम में ये बहुत कम है, परफॉर्मेंस इनका बहुत पुअर रहा। तो हम फिजिकल रिजल्ट के बेसिस पे जरा एक्सप्लेन कर लें यहाँ पे कि क्यों बीजेपी के साथ ऐसा हुआ। देखिए, भारत राजनीतिक रूप से भी बहुत विविध है, विविधता यहाँ पे, डाइवर्सिटी बहुत है। हर स्टेट में अलग अलग सोशियो पोलिटिकल कल्चर होता है। एक पार्टी ममता दीदी ताउम्र पूरी जिंदगी एक एक गली में काम करके जो उन्होंने सोशियो पॉलिटिकल जो है कनेक्ट बनाया है, और वही दूसरी पार्टी बाहर से अगर जाती है जिसका कोई बेस नहीं है, वहां पे ग्राउंड लेवल पे कोई उतना ज्यादा सोशियो पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं है, मुझे लगता है कि बीजेपी सोशियो पॉलिटिकल कनेक्ट वहां पे उतना नहीं बना पाई। बाकी सारे इनके टूल्स एंड टेक्निक तो बहुत अच्छे थे, जिसके कारण ये 3 से 80 सीट पे जंप कर गए, जो भी फाइनल रिजल्ट हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, महाराष्ट्र और बंगाल में एक बड़ी खास बात है, जो भी वहां रूलिंग पार्टी रहती है, जैसे उधर शिवसेना थे, तो उनके मजबूत होने का रीजन ये है कि हर गली और मोहल्ले में एक छोटी सी शाखा होती है। ये टीएमसी का भी हर गली मोहल्ले में एक क्लब होता है, वो क्लब 100-150 घर जो होते हैं गली मोहल्ले का, डायरेक्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हमेशा बनी रहती है, जो बीजेपी बीजेपी क्या कोई भी बाहरी पार्टी इतने कम समय में वो डेवलप नहीं कर पाती है उस चीज को। यही चीज अगर टीएमसी उठ करके यूपी में या किसी और स्टेट में चली जाए तो इतने जल्दी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा पॉजिटिव नोट पे इसको ले। महाभारत में कर्ण ने एक बार तीर चलाया तो अर्जुन का जो रथ है वो 2 हाथ पीछे गया, और अर्जुन ने मारा तो कर्ण का रथ जो है 100 हाथ पीछे गया। इस पर भी कृष्ण ने तारीफ की कि कर्ण ही सबसे बड़ा योद्धा है, तो अर्जुन ने पूछा ऐसे क्यों, उसका रथ तो इतना पीछे चला गया। बोले कि तुम्हारे रथ पे मैं बैठा हूं, 3 लोगों का भार लेके हनुमान जी बैठे हैं, दिव्य शक्तियां, तुम्हारा रथ इतना वो है और 2 हाथ पीछे चला गया, तो कर्ण ज्यादा बहादुर होगा कि तुम होगा? सेम सवाल यहाँ पे है। ममता बनर्जी ने खुलेआम ऐलान किया कि मुस्लिमों को एक हो जाओ, ये अनपार्लियामेंट्री स्टेटमेंट है, इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए इस पे नोटिस। उन्होंने लिया कि नहीं लिया, और बहुत सारी ऐसी चीजें बोली थी कि सेंट्रल फोर्सेस को जाने दो। कंपटीशन एक जगह और था, बीजेपी का कंपटीशन केवल टीएमसी से नहीं था, टीएमसी का कंपटीशन केवल बीजेपी से था। बीजेपी के दो और दुश्मन थे जो कि छोटे भले रहे हो लेकिन बड़े निर्णायक थे। बीजेपी ने
लाल सलाम को और कांग्रेस को वहां से नेस्तनाबूद कर दिया, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो बीजेपी ने अपनी जगह बनाई, दो अपने चिर परिचित पुराने प्रतिद्वंदियों को, वो तो लाल सलाम का गढ़ रहा है सीपीआई वगैरह का, उनको खत्म किया, तो ये भी एक अचीवमेंट है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं, तीन से इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, 3 से 80 सीट जाना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जब आपका राइवल पार्टी इतना स्ट्रांग हो वहां पर, और महीने 2 महीने 3 महीने काम करके, एक्टिव वे में काम करके, कैंपेन करके। तो मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, हम लोगों क्या एक कहावत है ना कि फिजिकली चलिए, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया तो जो जीता सरकार वही बनाएगा, लेकिन हार करके भी जीत जाने वाली जो बात होती है ना, अब देखिए साई ऑफ रिलीफ यहाँ पे क्या है, जो एजेंडा बीजेपी चलाना चाहती थी 100% वे में तो नहीं, लेकिन 80 विधायक जब इनके बैठेंगे वहां पे, तो एज ए अपोजिशन लीडर कुछ ना कुछ पावर शेयर करेंगे, शायद कहीं ना कहीं मनमानियों पे या गलत या सही निर्णय पे टीएमसी के जो है वहां पे कुछ ना कुछ लगाम लगेगी। ये चीजें हुई थी बिहार में, 2 बार ये लोग हारे, तब वो बिहार के नेचर को समझे, वहां जीते। तो मुझे लगता है पहले पहली बार ये 3 सीट लाए, अब की बार इन्होंने वहां बंगाल के सोशियो पॉलिटिकल कल्चर को समझा है, और मैं उम्मीद कर सकता हूं या बोल सकता हूं कि अगले बार जब इलेक्शन होगा, क्योंकि ये 80 विधायक अपने एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड मिलेगा, वहां पे विकास 2 तरीके से होगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बीजेपी की है तो जो फंड मिलेगा ये बहुत बड़ा चमत्कारिक तरीके से काम करेंगे, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, वो परसेंटेज कम या ज्यादा हो सकता है। और ममता दीदी के लिए भी राह या सरकार चलाना, आप एग्जाम्पल लीजिए, जब 2 सीटें थी बीजेपी की पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वहां से ये पहुंच गए जेएनके में, साझे में सरकार बना करके उन्होंने इतना बड़ा जो है वहां पे काम कर दिया। तो यहाँ तो ये लिखित रूप से, घोषित रूप से 80, मतलब आप जस्ट 45% या हाफ पावर मान लीजिए, 147 या 150 को अगर पकड़ा जाए, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं इनकी एंट्री को, इनके एफर्ट्स को एप्रिसिएट किया जा सकता है, ब्लाइंडली जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता है, डेफिनेटली गेन हुआ है और एप्रिशिएबल गेन हुआ है, ये पक्ष भी इन चीजों को जो है बताता है, हमें देखना चाहिए, हमें दोनों पक्ष को देखना चाहिए और दोनों ही पक्ष को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि, और एक मैं पूछना चाहता हूँ मुकेश जी से और मिश्रा जी से, कि ये कब तक जो फेस है मोदी का, 7 साल हो गए अब लोगों को देखते हुए एक ही, बस मैं, तो ये कब तक फेस चलेगा हिंदुस्तान में जी, और कब तक ये जो पोलराइजेशन ऑफ हिंदुइज्म है ये चलेगा, ये मेरे दो सवाल। मिश्रा जी आपसे शुरू करते हैं। जी, डॉक्टर साहब और मेरे मित्रों ने जो है यहाँ जो सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हैं, चीजें बहुत अच्छी बताई। मैं शुरुआत करता हूँ, देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ स्पेशली प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से, कि विपक्ष की कमजोरी दूसरी पार्टी यानी उनके राइवल के लिए बहुत बड़ा हथियार बन जाती है। मैं एक चीज बोलता हूँ स्पेशली प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से, कि विपक्ष की कमजोरी दूसरी पार्टी यानी उनके राइवल के लिए बहुत बड़ा हथियार बन जाती है। इसी चीज को डॉक्टर शारदा ने ऐसे बोला कि भाई अपनी बेवकूफियों के कारण, देयर इज नो प्लेस फॉर मर्सी, डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ मर्सी फ्रॉम योर राइवल पॉलिटिकल पार्टी इन इलेक्शन। किसने मर्सी दिखाई है, कौन नेता, कौन पार्टी बोलेगा भाई अब की बार हम 5 साल रह लिए हैं, अब की बार आप आ जाइए। अगर ऐसा हो जाए किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, तब तो बहुत अच्छी चीज हो जाए, तब तो खर्चे भी बचे सारी चीजें, लेकिन कुछ नेसेसरी इविल होते हैं, पैसे खर्च होने हैं, कैंपेन होना है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, एक ऑब्जेक्शन जो बार बार ये उठता है कि भाई छोटे छोटे चुनावों में भी पीएम वगैरह कहाँ चले जाते हैं। देखिए मैनेजमेंट की फिलॉसफी है, हिस्टोरिकल फिलॉसफी है, एक ट्रू लीडर वही होता है जो फ्रंट से जाके लड़ता है। इसके दूसरे पहलू को देखिए, राहुल गांधी यानी कांग्रेस आज इसलिए खत्म हो गई कुछ अपनी बेवकूफियां और कुछ ग्राउंड जीरो पे काम ना करना, बहुत इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है। मैं इसको एक खूबी की तरह देखता हूं कि किसी भी पार्टी का एक टॉप लीडर, टॉप नेतृत्व तो छोटे छोटे कामों को भी इतनी गंभीरता से लेता है, खुद इन्वॉल्व होता है। पॉजिटिव साइड को देखिए, हार जीत को आप छोड़ दीजिए, शायद अगर ये अप्रोच नहीं होता तो 2014 में इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन नहीं होता, और 2014 से लगातार जा रहे हैं ये इतना, बहुत सारी चीजों पे मैं इनके खिलाफ भी हूँ, मैनेज ये नहीं कर पाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। और पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो है ही पॉलिटिक्स करने के लिए, उनके लिए इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो अपने कुर्सी को बचाए रखें तभी तो वो काम करेंगी। दूसरी चीज,
लोकल पॉलिटिशियंस ना होना, लोकल लीडर ना होना, वाकई में मैं इस चीज को मानता हूं। अब आप ये देखिए इस कमी को इन्होंने कैसे पूरा किया। 3 सीट थी, अब 80 सीट अगर हम मान ले कि ये आ रहे हैं, तो 80 लोकल लीडर इन्होंने पैदा कर दिए कि नहीं कर दिए, जहां कोई लोकल लीडर नहीं था। देखिए इनकी फ्यूचर की स्टेपिंग्स देखिए किस तरीके से है, चीजें इतनी आसान नहीं है ममता दीदी के लिए और उनके लिए। अगर ये इलेक्शन में इतने एग्रेसिव हो सकते हैं, तो जब ये अपोजिशन में बैठेंगे तो आप वहां पे कंडीशंस देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि ममता दीदी बस केवल रसगुल्ला खा लेंगी, हर चीज बहुत आराम से कर लेंगी। लोकल लीडरशिप इन्होंने बहुत स्ट्रांग वे में डेवलप कर दी है, एक नहीं 80 80 लोकल लीडर पैदा कर दिए हैं, वो काम करेंगे। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, कोविड की भी बात उठी है यहाँ पे, मैं मानता हूं। देखिए डॉक्टर साहब तो खुद ही डॉक्टर है, वो जब पेंडेमिक फैलता है ना, मैं फिर बोल रहा हूं, 10,000 साल का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, रोम में फैला, भारत में फैला, ग्रीक में फैला, बुबेनिक प्लेग लंदन में फैला, सरकारें तब भी वहां पे थी, निजाम सिस्टम तब भी वहां पे था, लेकिन पेंडेमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मानव सभ्यता में विकसित की गई सारी सुविधाएं वहां पे फेल हो जाती है, मानव जो है बड़ा बेबस हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बुबेनिक प्लेग है, वहां पे लंदन में पता चल जाता था गवर्नमेंट एजेंसीज को कि इस घर में ब्यूवेनिक प्लेग के सिम्टम्स हैं, तो उसको सिस्टम ही यानी सरकार ही बाहर से ताला लगा देती थी कि ये आदमी कहीं और न जाने पाए। रही बात प्रचार प्रसार की, देखिए मैं मानता हूं मौतें जो हो रही हैं, मैं समझता हूं ये नहीं होना चाहिए, एक एक की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार के चाहे पक्ष के या विपक्ष के, विपक्ष ने भी यहाँ पे कोई बहुत खूबसूरत रोल प्ले नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, लंदन में उसकी प्रशंसा हुई, आज जो लंदन के न्यूज़पेपर वगैरह या अमेरिका के न्यूज़पेपर भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनसे बोलिए ना, आप ही ने तो प्रशंसा की थी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की, राजस्थान के फर्स्ट फेज में कोविड मैनेजमेंट की प्रशंसा विदेशी पत्रकारों ने की थी, आज क्यों नहीं कर रहे हैं साहब? जिसकी आपने प्रशंसा की, या तो आपकी एनालिसिस उस वक्त गलत थी, मैं विदेशी पत्रकारों और जर्नल्स और मैगजीन की बोल रहा हूं, या तो आज गलत है, तो दे आर ऑल्सो टू मच वेरी मच बायस। मानवीय आपदा जब आती है, त्रासदी जब आती है, भूकंप वगैरह, जल प्रलय, टेक एनी एग्जाम्पल, अमेरिका में जब चला था, इटली में जब चला था, तो वहां पे क्या हालत हुई, ये दुख की बात है सारे देशों में। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि फ्रंट से लीड करना हर एक जो पार्टियां फ्रंट से लीड नहीं कर रही हैं वो चली गई, और विपक्ष में भी कौन सी पार्टी ने दूसरे को मौका दिया है, 15 15 साल, 16 16 साल एक ही चेहरा प्राइम मिनिस्टर रहा है, मोदी को तो 7 साल हुए हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं मोदी रहे 20 साल, रहे 50 साल, रहे 10 साल, रहे, जो लोग ये बोल रहे हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई, डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई, डेमोक्रेसी अपने उरूज पे है, अपने टॉप पे है, मैं इसको मानता हूं। आप पहले एग्जाम्पल लीजिए ना, नेहरू जी कितने सालों तक वो प्रधानमंत्री रहे, तो क्या उनके लिए भी ये चीज बोला जाएगा? इंदिरा गांधी को ले लीजिए, कितने सालों तक प्रधानमंत्री रहे, कई कई टर्म्स तक यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, ये पब्लिक डिसाइड करती है वो सही है या गलत है, ये एक दूसरी चीज है। या तो ये बोल दिया जाए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ही खराब है, इसको बदल करके राजतंत्र लाया जाए, या सऊदी अरब की तरह, या डिक्टेटरशिप लाया जाए, कुछ भी लाया जाए, लेकिन जो सिस्टम बना है उसी सिस्टम के हिसाब से ये चुन के आते हैं। जब तक पब्लिक और वो सिस्टम किसी भी एक पर्टिकुलर लीडर को जिताता रहेगा, उसको अच्छा लगेगा, वो जीतता रहेगा, वो बना रहेगा। तो मेरे ये व्यूज हैं यहाँ पे, और दोनों साइड को देख के चला जाए। मुकेश जी, आप मैं दोनों बुनियादी, मैं फिर बुनियादी सवाल पर हूँ जो शारदा जी ने उठाए थे। नहीं, एक एक मिनट जी 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 डॉक्टर, सवाल एक लाइन का, मुकेश जी उसका जवाब देंगे। क्या जो आर्मी का चीफ होता है वो जाके मैदान में लड़ाई लड़ता है? मैं उसी पर आ रहा था मिश्रा साहब, आपने कि भाई वो प्रधान, मैं इसी पर आ रहा था, आपको बता रहा हूँ डॉक्टर मिश्रा जी ने कहा कि लीडर वही होता है जो मैं क्षमा मांग के बताता हूँ, प्रधानमंत्री का मतलब ही नहीं है कि वो अपनी कुर्सी छोड़ के अपने देश को चलाकर जाके वहां पर लगता है। डॉक्टर शारदा, बांग्लादेश की लड़ाई पाकिस्तान की 1971 की हमने इसलिए जीती क्योंकि सैम मानिक साहब कई फ्रंट पे खुद गए थे। भारत में जितनी लड़ाइयां हुई हैं पाकिस्तान के साथ, जो ब्रिगेडियर होते थे जिनको टेंट में बैठे रहना चाहिए था, हमने डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, और मिलिट्री में एक नियम है, वहां का जो फ्रंट पे रहता है टॉप ऑफिसर वो ये बोलता है, गदर फिल्म, इसमें गदर या कौन नहीं, बॉर्डर फिल्म में भी अब सनी देओल ने यही बोला था कि अगर मैं भागा मैं आगे आगे चलूंगा, अगर मैं भागा अपनी पीठ दिखा के तो तुम मुझे गोली मार देना, और अगर तुम में से कोई भागेगा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इंडियन मिलिट्री का ये प्रोटोकॉल है सर, ये कल्चर है,
यहाँ पे ब्रिगेडियर्स भी अपने अपने लेवल पे जाकर के फ्रंट पे लीड करते हैं, और ब्रिगेडियर ही नहीं, लड़ाई जब हुई थी तो श्रीमती गांधी भी बॉर्डर पे गई थी, प्राइम मिनिस्टर भी बॉर्डर पे गई थी, उनको आयरन लेडी सर ऐसे नहीं बोला जाता है, बॉर्डर पे जाके वो देखती थी, बात करती थी, उत्साह वर्धन लड़ाई नहीं लड़ती थी ना, ना वो लड़ाई लड़ती थी। ब्रिगेडियर का मतलब ये होता है मिनिस्टर्स को आप भेज दीजिए जो आपके वहां के लोकल प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, जो लोकल जो जिस चीज के लिए स्किल्ड है भेजिए, ना के कोई माँ बाप को बता। एक ऑपरेशन थिएटर में जो नर्स है सर वो केवल असिस्ट करेगी, वो कैंची पकड़ के मेन सर्जन का काम नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है जिससे जितना हो सके वो फ्रंट पे जा करके कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो नर्स है वो असिस्ट करेगी, जो मेन सर्जन है चाकू तो वही चलाए। डॉक्टर साहब रुकिए, जी 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 मिश्रा जी, डॉक्टर साहब 2 मिनट आप रिलैक्स कर लीजिए एक बार, मुकेश जी आपकी तरफ आएंगे जी। हाँ मैं कह रहा हूँ कि आई एम नोबडी टू सजेस्ट बीजेपी की वो क्या करे, मैं तो ये बता रहा हूँ कि वो उसके जो करनी थी उसका क्या परिणाम हुआ है। जैसे कि जो शारदा जी ने सवाल उठाया कि क्या प्राइम मिनिस्टर को वहाँ जाना चाहिए, चाहे वो हैदराबाद जाएं या बंगाल जाएं, ये मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो जब भी चुनाव होता है वो रोक नहीं पाते अपने आप को, भले ही वो म्यूनिसिपलिटी के इलेक्शन क्यों ना हो। इस कंपटीशन पर उनको लगाम लगानी होगी और भरोसा करना होगा अपने राज्यों के नेतृत्व पर, अपनी म्यूनिसिपलिटी के नेतृत्व पर, कि वो चुनाव लड़ने में सक्षम है। लेकिन ये आज के समय की दूसरी राजनीति है जिसमें ब्रांडिंग का जमाना है। ब्रांडिंग में ये कि कोका कोला ही बिकता है या पेप्सी ही बिकती है, उसकी जो दूसरी ब्रांड है वो बिल्कुल गौण होकर रखी जाती है ताकि इस ब्रांड से कोई ऊपर ना आ पाए। और जब आदमी में ये फियर साइकोसिस हो जाए कि मेरे अलावा भी कोई और है जो चुनाव जिता सकता है, तो ये फियर साइकोसिस इस लेवल पर जाकर नहीं होनी चाहिए जिस लेवल पर वो हैं। और इसका फायदा ममता बनर्जी ने उठाया, इसका फायदा केजरीवाल ने उठाया, इसका फायदा खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर येदुरप्पा ने उठाया, जिन्होंने कर्नाटक में अपने आप को मठाधीश घोषित कर दिया कि मैं ही चीफ मिनिस्टर हूँ, अपने आप को वो चीफ मिनिस्टर घोषित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों से खुद सबक लेना चाहिए। दूसरा सवाल जो उठाया था वो पोलराइजेशन का था। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव एक टर्निंग पॉइंट था जिसने इस देश में जो एक सेकुलर राजनीति का जो बैंड वैगन चला करता था और जिस जो इररिलेवेंट हो गया था 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में उसकी लगभग बरियल हो गया था, ये पश्चिम बंगाल में वो फिर से एक तरह से जीवित हुआ है जिसमें कि हाईली पोलराइज कैंपेन हुआ, चाहे वो ममता बनर्जी की तरफ से हो या मोदी की तरफ से हो, और दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और इस हद तक गए कि पड़ोस के देशों में जा जा के भी हमने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश की, उनके किसी को मतुआ बनाना, किसी को मतवाला बना देना, इस तरह की राजनीति हमने देखी। और 5 राज्यों में से सारे चुनाव इररिलेवेंट होकर सिर्फ बंगाल पर हम लोग इसलिए टिक गए क्योंकि हमने सारा अपना ध्यान, सारा पोलराइजेशन इस बंगाल के चुनाव पर कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी को 6 साल लगभग 7 साल सत्ता में हो गए, 30 मई को दूसरा साल दिल्ली में पूरा हो जाएगा। थोड़ी सी ग्रीड कम करनी होगी कि मुझे ही सत्ता में आना है हर जगह, उसको जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है, जो चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो डीएमके हो, इनको फलीभूत करने का मौका देना होगा। एक पूरे राष्ट्र को एक पूरी एक माला में पिरो देना, सफेद मोतियों की माला, उसमें कमल के कमल ही पूरे धागे में हो, ये जरूरी नहीं है। देश बड़ा प्लूरिस्टिक है, इसमें हर तरह के विचार, हर तरह की धाराएं, हर तरह की संस्कृति, हर तरह की ट्रेडिशन अगर फलीभूत होंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और खुद प्रधानमंत्री को, जो बहुत मैग्नेनिमस हैं वो, और उनको बहुत अच्छे से दर्द पता है कि एक चीफ मिनिस्टर होने की दर्द क्या है, किस तरह से केंद्र में उसको उनको दबाया जाता रहा था पूरे 10 साल, उन्होंने इस दर्द को सहा, तो कम से कम अब अपने चीफ मिनिस्टर्स की मखौल उड़ाना बंद करें, उनकी बराबरी वो ना करें, उनके पिता तुल्य वो पेश आए, उनको चुनाव मैदान में जाके चुनौती इस ढंग से ना दें। मैं मनमोहन सिंह की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कभी भी विधानसभा के चुनाव में प्रचार करने नहीं जाते थे। कुछ बेंचमार्क इस सर, उन्होंने कभी इलेक्शन भी शायद नहीं लड़ा है। बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा है। मनमोहन सिंह वाज नॉट एन एक्टिव पॉलिटिशियन। किसी को मर्यादित होने के लिए चुनाव लड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बेंचमार्क चुनाव लड़ना नहीं है,
किसी भी राजनीति का या किसी भी स्टेट्समैनशिप का। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन देश के बहुत अच्छे लीडर हुए हैं, और चुनाव लड़ना के अगर ही बहुत बड़ी बात होती तो फूलन देवी ने भी चुनाव लड़ा और जीता है और वो बहुत महान नेता हो जाती। आज वहां पर COVID-19 बंगाल में हिंदुस्तान का नंबर वन स्टेट बताया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, अगर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा ईसी के बारे में, मैं चाहूंगा जरा इलेक्शन कमीशन के बारे में ये हमारे दोनों भाई जो हैं जरूर बयान कुछ बोले। जी मेरा सवाल भी था डॉक्टर साहब इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और मेरा सवाल यही था कि आठ पड़ाव में बंगाल का इलेक्शन कराने का क्या मतलब, कभी सुना हिस्ट्री में जी? और इलेक्शन कमीशन को अगर झाड़ पड़ी है जी, एक अपने मद्रास हाईकोर्ट ने उनको झाड़ डाली है, यहाँ तक कहा इनके ऊपर मर्डर का केस चलना चाहिए जी। ईसी हैज प्लेड ए डेफिनेटली सेकंड हैंड विद बीजेपी। जी मिश्रा जी मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये कोई एक महीने दो महीने चार महीने में कोई इलेक्शन नहीं जीता जाता है, लेकिन हमने पिछले दिनों सुना कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बंगाल के लिए रणनीति उन्होंने कोई अभी शुरू नहीं की है, ये कई सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा था और उस पर काम चल रहा था। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या अमित शाह इस चुनाव में उनकी हार कही जाए, ममता की जीत कही जाए, या जीत का सेहरा प्रशांत किशोर के सिर बंधेगा, ये हवा का रुख किसने पहचाना? और कौशिक साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी, तो जो अभी डॉक्टर शारदा ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो एक सवालिया निशान भी अभी खड़ा हुआ है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन भी प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर के अंदर के तहत चलता है, या ये संवैधानिक संस्था जो है हमारी, मतलब इस पे सवालिया निशान बहुत लंबे वक्त के बाद उठे हैं, तो इस पर आपकी तरफ आऊंगी। पहले मिश्रा जी आप बताइए प्लीज। देखिए मैम मैं आपको बताऊं, नो डाउट बीजेपी ने फोकस बंगाल इलेक्शन में पिछली बार से किया था 5 मिलियन, क्वेश्चन में ये बता रहा हूँ कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन 8-10 करोड़ 12 करोड़ हो, गली गली तक वहां पे अपनी पकड़ बनाना, वो इन कंपैरिजन ऑफ टीएमसी या जो वहां के और लोकल पार्टियां हैं जो लगातार 20 सालों से, भाई ममता दीदी भी 1 साल में या 5 साल में नहीं आ गई, आप उनका करियर देखिए कितना पुराना उनका करियर रहा है, कितना संघर्ष किया है, इस हिसाब से तो बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मानी जानी चाहिए कि विनिंग सीट जितना होना चाहिए उसका 50% ये ले आया है 5 साल में, बहुत तेजी से इन्होंने इस चीज को अचीव किया है। वहां पे कनेक्ट करने के लिए इनको अभी और काम करना पड़ेगा, उतना ये कनेक्ट डोर टू डोर जो कनेक्टिविटी होती है, सोशल बॉन्डिंग होती है, क्योंकि कल्चर भी वहां का अलग है, मैं आपको बताऊं लैंग्वेज अलग है कल्चर अलग है, उन चीजों को समझना, वहां पे रमना, एकदम से उसी रंग में रख जाना वहां पे बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आगे के लिए ये काम आसान हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं मुकेश जी की बात करूं, मुकेश जी जैसे बोल रहे थे वो आइडियोलॉजिकल बातें थी कि भाई हर आदमी को इतना कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, हर जगह नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसे ही सोच लिया जाए, कोई एक उदाहरण दीजिए, डेमोक्रेसी सही है या गलत है मैं नहीं मानता हूं, आप जी की तुलना कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, आई डोंट थिंक कि वो एक्टिव पॉलिटिशियन थे, वो तो ठीक है उनकी एबिलिटी है, उनके लिए ऑनर है, सम्मान है, वो प्राइम मिनिस्टर बने, ये भारत की खूबी है। यहाँ पे आप ये देखिए समाजवादी पार्टी, बात ये हो रही थी कि भाई हम ही एक ब्रांड रहे, हमारे सामने कोई और ना आए, हर ब्रांड की हर एक इंसान की यूटिलिटी होती है, जब तक वो यूटिलाइज कर सकता है अपने रिसोर्सेस को वो रहेगा। समाजवादी पार्टी के बारे में क्या बोलेंगे, लालू प्रसाद यादव के बारे में आप क्या बोलेंगे, AIDMK DMK के बारे में आप क्या बोलेंगे, कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के बारे में आप क्या बोलेंगे कि अध्यक्ष होंगे तो वही होंगे। अपनी इन गलतियों के कारण वो लोग हारते जा रहे हैं, घर से बाहर भी नहीं निकलते। देखिए संवैधानिक दायरे में या तो संविधान में ये लिखवा दिया जाए और बांट दिया जाए स्टेट कि भाई इस स्टेट पे टीएमसी राज करेगी, इस पे बीजेपी करेगी, संविधान सारी पॉलिटिकल पार्टी को एक सिंपल आदमी को भी देता है कि आप भी निर्दलीय ऑल ओवर इंडिया में कहीं से लड़ सकते हैं, आप राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ सकते हैं निर्दलीय। मुझे लगता है कि ये भी नियम है, क्योंकि एक धरती पकड़ करके थे वो, जीतते तो नहीं थे लेकिन हर बार जब हम बचपन में थे तो सुनते थे हर बार वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते थे। तो मैं ये समझता हूं कि जो देखिए अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि देयर इज नो प्लेस फॉर मर्सी इन दिस डर्टी पॉलिटिक्स, मैं इसको डर्टी पॉलिटिक्स भी बोल रहा हूँ, ना पहले किसी पार्टी ने किसी के साथ किया है। यहाँ पे तो हालत ये थी कि समाजवादी पार्टी और BSP का जब इलेक्शन का कॉम्पिटिशन चलता था तो BSP की जो लीडर है उनके साथ क्या हुआ था गेस्ट हाउस कांड में, उससे तो लाख गुना बेहतर है कि कोई टॉप लीडर जाके मर्यादित शब्दों के साथ और
परमिसिबल लैंग्वेज और परमिसिबल इंस्ट्रूमेंट टूल्स एंड टेक्निक के साथ कैंपेन करें। अब ये डिपेंड करता है उस पार्टी के ऊपर, वो एक ग्राम प्रधान के इलेक्शन को भी गंभीरता से ले, ये अच्छी चीज है, इसको बोलते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। जो लोग माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते हैं, जो लोग केवल मीडिया के थ्रू चलते हैं, वो ऐसे ही साफ हो जाते हैं जैसे कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां देश से साफ हो गई, इक्के दुक्के दो चार राज्यों में इनकी बची हुई है, और वो भी कब साफ हो जाए। देखिए, इफिशियंसी को अप्रिसिएट करना चाहिए। कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे लालू यादव रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, ये सारे लोग जमीन से उठे हुए हैं और इन्होंने पूरी व्यवस्था को जो है एक परिवर्तित करते हुए अपनी जगह इन्होंने बनाई है। तो सेम इज द कंडीशन अभी जो बीजेपी की लीडरशिप है। मैंने बताया 70-80 साल से ये लोग दो सीट पे बैठे हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार उतनी स्ट्रांग वे में नहीं थी जितनी ये है। तो हो सकता है कि इनका ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है, हर जगह जाना, बहुत स्ट्रांग वे में अपने यूनिट को बनाना, कार्यकर्ताओं को बनाना, हर अंग को, हर डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना, चाहे आईटी सेल रहा हो, चाहे जो रहा हो, चीजें हैं। और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो अपोजिशन बोले ना, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, वो इसी चीज के लिए चली जाती पहले कि भाई बीजेपी को यहाँ मत लड़ने दीजिए, हम ही यहाँ पे रहेंगे, बीजेपी को अलाउ ही नहीं करते, चली जाती सुप्रीम कोर्ट। हर पार्टी, हर आदमी आजाद है भारत की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने के लिए, परमिसिबल जो चीजें होती हैं उसके हिसाब से कैंपेन करने के लिए। ये पब्लिक का अल्टीमेट डेमोक्रेसी में राइट है कि वो किसको सेलेक्ट करती है, किसको पसंद करती है। जो पब्लिक ने दिया मैंडेट वो मान्य होगा, और ऐसे ही डेमोक्रेसी चलेगी। बेस्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल तो यही है ना, ट्रंप भी हार के गए, उनको भी अगर बोल देते भाई अब मैं रह चुका हूँ 5 साल, अब आप आ जाओ, तो अगर इतनी मानवता आदमी में आ जाए तो कोई लड़ाई ही ना हो कभी। ये बहुत आइडियोलॉजिकल चीजें हैं जो धरातल पे पॉसिबल नहीं होती हैं। तो जो सिस्टम जैसे चल रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और सारी पार्टियों को मेहनत करनी चाहिए। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं दूसरी पार्टियां जो है मेहनत करती हैं। डिफेंस की ये स्ट्रेटजी होती है कि अगर वॉर नहीं हो रहा है तो तुम प्रैक्टिस के मैदान में अपना पसीना बहाओ। हर छावनी में लिखा रहता है कि शांति काल में जितना तुम्हारा पसीना बहेगा, युद्ध काल में तुम्हारा खून उतना ही कम बहेगा। तो ये वार टैक्टिक्स होती है, इलेक्शन भी एक वार है। और मैं सोचता हूं कि अगर आप पॉलिटिशियन है तो आपको 24 घंटे एक्टिव रहना होगा। ये नहीं इलेक्शन कमीशन जब डिक्लेयर करे कि जी अब चुनाव की डेट है तो कुकुर मुत्ते की तरह वोट लेने के लिए नेता बन के आप उभर आए। यूपी वगैरह में यही हो रहा है। समाजवादी पार्टी बीएसपी हाशिए पे क्यों चली गई? ये 5 साल वेट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन कब डिक्लेयर करेगा। जब डिक्लेयर करेगा तब टोपी पहन के हाथ जोड़ के निकलेंगे और सोचेंगे 15 दिन में जनता हमें वोट दे दे। तो बीजेपी के भी कम सीटें लाने का यही रीजन है। ममता वहां पे हमेशा से एक्टिव रही है, आज से नहीं, दशकों से एक्टिव रही है, सरकार में भी थी। तो उतने बड़े फोर्स को बीजेपी तोड़ नहीं पाई जो ममता की बॉन्डिंग थी। काफी कुछ सक्सेसफुल हुई, लेकिन 100% जो सरकार बनाने का टारगेट था डेफिनेटली उसमें वो फेल हुए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन आधिकारिक रूप से डिक्लेयर करता है तो फिजिकली तो मानना ही पड़ेगा कि हाँ भाई वो फेल हुए हैं। लेकिन 3 से या 0 से इतने बड़े उस पर छलांग लगाना, ये अपने आप में बहुत एप्रिसिएबल स्टेप है। तो मुझे इसमें क्या आपत्ति है? मैं उनके माइक्रो मैनेजमेंट है या मूर्ख मैनेजमेंट है, मैं इसके दोनों वर्ड्स के भी साउंड को ज्यादा अलग नहीं कर पाता हूँ। अगर आपको हैदराबाद का चुनाव इस ढंग से लड़ना है, 5600 करोड़ रुपए जो भाई साहब बता रहे थे किसी ने, जो हालांकि मैंने उनका वो बजट देखा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को किसने रोका है पंचायत का और प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए? उनकी चॉइस है, जिस दिन चाहे लड़ ले जाके। लेकिन मैं ये बात तो बताऊंगा कि बॉस आप इस पोस्ट के लायक नहीं बने हैं। अगर आप इस जगह, आप मुझे इस मंच पर अपने विचार रखने को कहेंगे तो मैं उनको जरूर बताऊंगा कि मोदी जी आपका स्थान बहुत ऊपर है। ये ममता बनर्जी से टकराना आपको शोभा नहीं देता। ये शुभेंदु राय को आप खड़ा कर दीजिए, ये ब्रिगेडियर को भेज दीजिए किसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में। आप दोनों ने बात की, मैं डिफेंस कवर करता हूँ, मैं उस विषय पर आ जाऊंगा तो पता नहीं अपनी गाथाएं खुल जाएंगी। लेकिन कोई भी, ये मिलिट्री लीडरशिप हो, टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप हो, दोनों को देखना होगा कि मुझे कौन सी जगह क्या पुर्जा लगाना है। दिल्ली पुलिस को मैं ब्रह्मोस तो नहीं थमाता ना, या दिल्ली पुलिस को या राजस्थान की पुलिस को मैं टैंक तो नहीं देता ना चलाने के लिए। मैं टैंक देता हूँ अपनी आर्मी को देता हूँ, क्योंकि एक एक डिसेंडिंग ऑर्डर है सिक्योरिटी का। मुझे अगर चाइना से लड़ना है तो मैं टैंक लगाऊंगा, लेकिन अगर मुझे एक डकैत से, चोर से लड़ना है तो मैं एक पुलिस वाला खड़ा करूंगा। अगर मुझे एक माफिया से लड़ना है तो मैं अपनी एक अच्छी खासी फोर्स, ऐसी जो CRPF के टाइप है, वो खड़ी करूंगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि उनका कोई और नेता
कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता, चुनाव तो मैं जीत के दे दूंगा और चीफ मिनिस्टर हम यहाँ से किसी को भेज देंगे। तो ये इंदिरा गांधी वाली नीति है जिस पर इंदिरा गांधी चली थी कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि। हम लोग उनसे कुछ डिफरेंट थे, आपने डिफरेंट पॉलिटिक्स का वादा किया था, आप वो उसको आप अपनाइए, नहीं अपनाते तो ये आपकी चॉइस है, आपको फिर वहीं से जाना पड़ेगा। आप दो से चले थे, तीन पर आ जाएंगे, चार पर आ जाएंगे, मेरा उससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं मनु जी के प्रोग्राम में फिर एक दो महीने बाद फिर बैठ जाऊंगा, फिर बताने लगूंगा किसी को कि नहीं आपने ठीक नहीं किया। आप नहीं बताएंगे तो बंगाल की जनता बता देगी, आप नहीं बताएंगे तो तमिलनाडु बता देगा, कोई और बता देगा, कोई और राज्य बता देगा, दिल्ली का केजरीवाल बता देगा। ये आप सोचिए, अगर आप 25 सीटों वाले गुजरात स्टेट से चल करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आपने एक मॉन्स्टर पैदा किया ममता बनर्जी के रूप में। 40 सीटों की 48 सीटों की का राज्य है वो 25 से दुगना सीटें इस देश को लोकसभा की देता है। और अगर आपने उस ममता बनर्जी को इतनी ताकत दे दी खुद से जा जाके कि आप मुझसे टकरा सकती हैं, आप मेरी बराबरी पर आ सकती हैं, तो आपने तो एक प्राइम मिनिस्टरियल स्टफ उसके अंदर पैदा कर दिया है। और ये आपकी चॉइस है, आपने पैदा किया, आपने नहीं पैदा किया, मेरा से कोई नुकसान नहीं होने वाला। जी ने बहुत सी बात की, एक बात तो सिर्फ ये है कि वही अग्री टू डिसएग्री, क्योंकि इनका एक जो ये पर्टिकुलर पता है कि हाँ भाई हर आदमी जो है वो आजाद है डेमोक्रेसी में। यस, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सारी दुनिया जानती है कि आप कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने आज के हिंदुस्तान को संभाला हुआ है, मुझे ये बताइए कि एक एक आदमी, उसका ग्रैंडफादर बीमार था लड़का जी, और अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करता था, और उसने सिर्फ ट्वीट ये कर दिया कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ग्रैंडफादर मतलब ऑक्सीजन चाहिए, उसके ऊपर बताइए देशद्रोही का केस चला दिया जी चीफ मिनिस्टर ने। कितने राइटर हैं जो आज जेलों में पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को रूलिंग देनी पड़ी 4 दिन पहले कि आप किसी भी आदमी को नहीं रोक सकते हैं, चाहे वो अपने बयान और अपने विचार, चाहे वो फेसबुक पर दे, चाहे वो टिकटॉक पर दे या किसी चीज पर भी दे, आप उसको अब नहीं रोक सकते। दिस इज फंडामेंटल राइट। अब मुझे ये बताइए, हर चीज में सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट नहीं आगे फैसला करेंगी, इनको खुद ये चाहिए। दूसरा, आज का जो इलेक्शन है वो पैसे का है, सारा पैसा सिर्फ बीजेपी के पास है और किसी के पास नहीं है, क्योंकि सारा हिंदुस्तान का कारपोरेट सेक्टर है जी, पूरे का पूरा। ये कहते हैं हम करप्शन नहीं करते, 2014 के इलेक्शन में 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जो कि सारे का सारा किसने दिया था जी, कारपोरेशन ने, इन्होंने अपनी जेब में नहीं डाला। चलो की आपको बताता हूँ, टोरंटो में रैली हुई, जिसमें 30 मिलियन डॉलर खर्च हुआ, डलस में रैली हुई जिसमें 50 मिलियन खर्च हुए, न्यूयॉर्क में रैली हुई, वो सारे का सारा पैसा जो है वो बीजेपी देती है उन लोगों को। रैली यहाँ जो रैली हुई, पता जो मेरे अपने मित्र हैं जी, उनको पैसा सारा उन्होंने दिया कि आप रैली ऑर्गेनाइज करो मोदी जी का। पैसे की खेल, पैसा पैसा पैसा। अब इनके पास पैसा इतना ज्यादा है कि इस वक्त और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है किसी और को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है अभी, क्योंकि उनको नजर आता है कि इन्होंने ही अभी गवर्नमेंट में रहना है। नंबर वन। नंबर टू जो मेरा क्वेश्चन है कि ये राम मंदिर का जो इशू था, ये तो अब खत्म हो गया ना, अब रह गया हिंदुत्व का जी, वो भी खत्म होता जाएगा, आप कितनी देर उसको प्ले करोगे। अल्टीमेटली आपको जो लोगों के मुद्दे हैं उनको उठा के आगे आना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके आगे आना पड़ेगा, बीमारियों को लेके आगे आना पड़ेगा जी, कैसे हेल्थ आपका सिस्टम है। जब तक ये सारी चीजें, नौजवानों को नौकरियां जो है वो मिलनी चाहिए, ये आगे नहीं आएंगे तब तक अब कुछ नहीं होगा। मिश्रा जी, जी डॉक्टर साहब, देखिए आपने बातें बहुत अच्छी बोली हैं और मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस चीज से कि जो फिजिकल ग्रोथ होती है, प्रैक्टिकल ग्रोथ होती है, जॉब क्रिएशन की होनी चाहिए, जीडीपी बढ़े, मिल लगे, फैक्ट्रियां लगे, अब उसको बाय डिफॉल्ट बोलिए, कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा बोलिए, इस चीज पे चूंकि अगर गवर्नमेंट ये है तो क्वेश्चन भी इन्हीं से पूछा जाएगा। इस चीज पे मैंने बहुत डिबेट की है और मैंने
खड़ा किया है इस चीज पे कि जीडीपी वगैरह बढ़ने की जो बात हुई है, यहाँ पे बीजेपी का क्या ओपिनियन है वो हम बाद में करेंगे। लेकिन एक चीज है, जैसे देखिए राम मुद्दा और ये सारी चीजें होती है, ये तो बीजेपी वालों के मैंडेट में था, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि श्री राम का मुद्दा भारत में कभी खत्म नहीं होगा सर। बाबर भी यही चाहता था कि श्री राम का मुद्दा खत्म हो जाए। अपोजिशन को, कुछ पत्रकारों को या इंटेलेक्चुअल्स को पता नहीं श्री राम भाई, श्री राम का नाम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे लिया जाता है। मंदिर बन जाए वो बात एक डिफरेंट है, लेकिन श्री राम का मुद्दा पृथ्वी जब से बनी है, भारत बना हुआ है, वो तब से है और रहेगा, वो कोई खत्म नहीं कर पाएगा, चाहे कोई राजा कोई भी हो, कितने लोग आए और गए। रही बात जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, चूंकि मैं खुद मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ, कारपोरेट से इनकी साठगांठ की बात हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार डिबेट हुई थी एक साल दो साल पहले, 600% सारी पॉलिटिकल पार्टियों के खजाने में ग्रोथ पर साल का जो है वो हो रहा था, समाजवादी पार्टी की मैं बता रहा हूँ, 600% ऐसे ही सारी पार्टियों की, 100% से ज्यादा तो सारी ही पार्टियों की ग्रोथ रही है। अब ये पूरी दुनिया में एक नेक्सस है, या आप ये बोलिए कि जब आपके पास सत्ता आती है तो नैसर्गिक तरीके से बहुत सारी चीजें आपके पास आती हैं, पावर आती है, कॉर्पोरेट खुद आपके पास जाएगा। इसके पहले जो सरकारें थी, मान लीजिए इंदिरा गांधी के टाइम पे, उस वक्त कॉर्पोरेट अगर डोनेशन देती थी पोलिटिकल पार्टी को तो उनको देती थी, तो इस मामले में तो सारी पोलिटिकल पार्टियां एक जैसी है। बंगाल में जो कॉर्पोरेट बिजनेस घराने हैं वो वहां पे देंगे, महाराष्ट्र में अभी आपने केस देखा कि जो वहां पे सत्ता में है वो कैसे पैसों को इकट्ठा कर रहा है, उसको अब हमें यहाँ पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहिए। तो अब इसमें भी देखिए फेल्योर क्या है, फेल्योर मैं इसमें सबसे बड़ा कमजोरी मानता हूँ विपक्ष की। अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो उसमें विपक्ष का बहुत बड़ा रोल है। आप एसी में बैठ के ट्वीट करके 120 करोड़ की जनता से अगर वोट की अपील करते हैं तो कितना इफेक्टिव होगा? अरे जनता का दिल जीतना है, वोट जीतना है तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। बाढ़ आई हुई थी और हाथी पे चढ़ करके वो गई थी, बिहार का कोई एरिया था, तो ये तब भी सही था, रिवाइवल के लिए ये जरूरी है। सेकेंड जनरेशन जो पॉलिटिशियंस हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा वगैरह के, बसपा में तो खैर अभी मायावती जी हैं, कांग्रेस वगैरह के, दे नो वेल अबाउट इंडिया बट दे डोंट नो अबाउट भारत और हिंदुस्तान। उनको भारत और हिंदुस्तान नहीं पता है, उनको इंडिया पता है। उनके हारने का रीजन ये है कि बेसिक कल्चर, बेसिक थॉट, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, बहुत सोशल और रिलीजियस टाइप के हम लोग हैं। भारत में तो इतने रिलीजियस और इतने सोशल लोग हैं कि रिलीजियस और सोशल और इमोशंस के बेस पे तो यहाँ चुनाव जीत जाते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, सारी सरकारों ने विकास किया लेकिन जितना होना चाहिए नहीं किया। आज भारत की जो दशा है, कोविड के कारण जो चैलेंजेस हैं, 70 सालों में भारत ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उसकी पोल खुल गई। केवल एक गवर्नमेंट की मैं बात नहीं करता हूँ, 70 सालों का डेवलपमेंट, और दुनिया में भी यही हुआ। अमेरिका ने बहुत डेवलप किया था, उनका भी हमने देखा, कनाडा में भी देखा, इटली में भी देखा, सब जगह हमने देखा। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर इन टोटो डिफेक्टो अगर ओनली ओनली एंड ओनली अगर पॉलिटिक्स को हम कंसीडर किया जाए, और पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी उनका मेन एम होता है और होना चाहिए इलेक्शंस को जीते, पार्लियामेंट्री गाइडलाइन, मतलब कुछ अनइथिकल वे में नहीं कि आप बंदूक और इन सब चीजों के बेस पे रिगिंग करके देख लें। दूसरी चीजें अपनी जगह है, फेल्योर और सक्सेस है, चैलेंजेस है वहां पे, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन होगा, समाजवादी पार्टी, बसपा, एआईडीएमके, डीएमके, वो बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे वहां पे इलेक्शंस को जीतने के लिए, पार्लियामेंट्री वे में, मैं फिर बोल रहा हूँ। बाकी और सब चीजों का मेरे पास क्योंकि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती नहीं है तो मैं उसको क्लेम नहीं करूंगा कि वो चीजें हुई कि नहीं, खबरें आती रहती हैं, सोशल मीडिया पे चलती रहती है। तो ये सारी चीजें सर इतना डाइवर्सिफाइड है यहाँ पे। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ, तो मैं तो वो तो करूंगा ही करूंगा ना सर, वो टॉप प्रायोरिटी पे रहेगी। बीजेपी कर रही है, कांग्रेस भी यही कर रही है, टीएमसी भी यही। टीएमसी ने कोई कमी थोड़ी की अपने कैंपेन में, पैर टूटने के बाद भी ममता दीदी ने रेस्ट नहीं लिया। यही चीज उनको बोला जा सकता था कि आप रेस्ट ले लीजिए, वो लड़ने के लिए उनके पास भी छोटे स्तर के नेता थे, उनके गाँव के नेता थे, उनके ब्रांच लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिला अध्यक्ष वगैरह होते हैं, लेकिन ममता दीदी को लीड कर रही थी। किसी एक पार्टी को नहीं बोल सकते हैं, जो पार्टी फ्रंट से कोई भी फीस हो सर, अगर कोई डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, मेन डॉक्टर अगर वो डेली आके अपने चैम्बर में नहीं बैठेगा, इंस्पेक्शन नहीं करेगा, वो सक्सेस पे नहीं पहुंचता है सर। ये पाकिस्तान में होता है कि वहां के आर्मी जनरल बैठ गए घर में एसी में और जवानों को बोल दिया जाओ जी तुम गोली चलाओ,
वहां के नेता घर में बैठ गए, आवाम को छोड़ दिया, जाओ जी तुम करो। तो है हम थोड़े बेटर हैं, आप जिस भी फील्ड में एक्टिव रहिए, मेरा ये कहना। मुकेश जी, जी जी मुकेश जी, मिश्रा जी आप समप पे कुछ कहना चाहेंगे? जी डेफिनेटली, देखिए उत्थान और पतन, हार और जीत सबका लगा रहता है। मैं इस चीज को मानता हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी वो हमेशा से अजेय नहीं होती है, हार भी हो सकती है, और चैलेंजेस ऐसे हैं आज के सिचुएशन में कि जो डॉक्टर साहब ने बोला उससे मैं भी इत्तफाक रखता हूँ कि भाई इनको और जो है मैनेज करना पड़ेगा, करंट गवर्नमेंट को, बीजेपी को, क्योंकि सिचुएशन इनके अगेंस्ट जा रही है और लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ सवाल दो है, अगर विपक्ष ये बोलती है, विपक्ष में आप सारे नेताओं को ले लीजिए, मैं ममता दीदी को ही लेता हूँ, या तो आप काम करके बढ़िया से, जिसको बोलते हैं ना अपने भुजाओं के दम पे, सिचुएशन को बदल दीजिए, अदरवाइज आप डेस्टिनी के भरोसे बैठे रहिए कि कभी अवतार होगा, कभी जनता इनके विरोध में जाएगी, 10 साल, 20 साल, 25 साल। ये थिंकिंग भी मेरे उसी लॉजिक को सपोर्ट करती है जो मैंने पहले बोला है कि अगर आप काम नहीं करेंगे, आपकी एक छोटी सी गलती आपके राइवल के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, बीजेपी को यही तो बेनिफिट मिल रहा है। जिस जगह पे राइवल पार्टी ने खुल करके काम किया, जैसे ममता दीदी ने किया, दिल्ली इलेक्शन में इनकी हार हुई तो उसके और भी बहुत फैक्टर थे, वहां पे आप कॉम्पिटिशन को बढ़ा देते हैं। आप अपना कर्म तो करिए, अपने अच्छे हृदय से, आप पूरे मन से कर्म करिए, या डेस्टिनी पे बैठे रहिए कि जी जब जनता विरोध में होगी तो, अब हो सकता है 5 साल में विरोध हो सकता है 10 साल में हो, 20 साल में हो, तो ठीक है, जो आदमी काम करेगा उसको तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज रावण ने भी बोली थी, बोला है कि जितनी शक्तियां मैंने पाई हैं वो किसी के जो है एहसान के तले या उस भीख में नहीं पाई है, मैंने अपने कर्तव्य अपने मेहनत से पाई है। तो सवाल यहाँ पे एप्लीकेबल ये है कि कर्म का सिद्धांत सबसे बड़ा है, आप अच्छे तरीके से काम करिए। मैं बोलता हूँ अपोजिशन क्यों वेट कर रहा है अगले 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, भाई अच्छे से काम करे, 3 साल काम करे, अगले इलेक्शन में ही बीजेपी को हरा दे ना, संविधान तो उनको भी राइट देता है कि आप लड़ करके हराइए, किसी ने रोका नहीं है ना किसी को, लेकिन आप जाइए तो सही, या तो आप जाते नहीं है, कामचोर है, या आपकी रणनीतियां सही नहीं बैठ रही हैं, जो भी हो। खैर आगे चैलेंजेस सबके लिए इक्वली बढ़ रहे हैं, अपोजिशन के लिए भी चैलेंजेस है और बीजेपी के लिए भी चैलेंजेस है, क्योंकि सिचुएशंस हमेशा चेंज होते रहते हैं, स्पेशली इंडियन जो कि डेमोक्रेसी में, जो कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कैसी है, इतनी बड़ी यहाँ पे विविधताएं हैं, हर जगह बहुत सारे लैंग्वेज है, सोशियो इकोनॉमिक जो है फैक्टर्स है। ओवरऑल मैं डॉक्टर शारदा के बहुत सारे विचारों से सहमत हूँ, मुकेश जी की भी बहुत सारी विचारों से मैं सहमत था, लेकिन अल्टीमेटली होता तो वही है कि जो जीता वो सिकंदर। तो अब सवाल ये होता है कि जब कोई जीतेगा तो हम उसको सिकंदर बोलेंगे, हमें कोई गुरेज नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। भाई ममता बनर्जी जीती तो हमने बोला ना कि हाँ भाई ममता बनर्जी जीत गई। आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मोदी जी है या अमित शाह है, मैं बोलूंगा केजरीवाल है वहां पे। तो फैक्ट ये है कि अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट होता है, दुनिया उसी को सैल्यूट करती है। वो जिस पार्टी ने डिलीवर कर दिया, कॉर्पोरेट भी उसके फेवर में होंगे, पैसे भी उसके, पब्लिक भी उसके फेवर में होंगे।